चलिए राजपथ में खबर में आगे बढ़ते हैं। मणिपुर में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। विपक्षी दलों की ओर से लंबे समय से उन्हें हटाने की मांग की जा रही है और अब उनके लिए बड़ी दिक्कत ये पैदा हो गई कि बीजेपी के 7 विधायकों ने ही अपने सीएम के खिलाफ मोर्चा इस समय खोल दिया है। राज्य के 10 कुकी विधायकों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच कराने की मांग की और इनमें से 7 विधायक भाजपा में जुड़े हुए हैं। इन विधायकों का कहना है कि राज्य में हुई भीषण हिंसा के दौरान मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की भूमिका संदिग्ध रही है, इसलिए आयोग गठित करके उनके खिलाफ जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि इस जांच में मुख्यमंत्री दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। मणिपुर में मैतई और कुकी समाज का संघर्ष इस समय जारी है। खुद सीएम मैतई समुदाय से आते हैं, ऐसे में विपक्ष लगातार सीएम पर आरोप लगा रहा है। कुकी समाज के खिलाफ हिंसा को सीएम का समर्थन है, विपक्ष ऐसा कह रहा है। 10 विधायकों ने सीएम की भूमिका की जांच की मांग की है। वैसे जिस मणिपुर में हिंसा की वजह से तनाव बढ़ा है उसकी नींव को समझना आपके लिए जरूरी है। मणिपुर में दरअसल 3 समुदाय सक्रिय हैं। 2 समुदाय पहाड़ों पर बसा हुआ है, 1 समुदाय घाटी में रहता है। मैतई हिंदू समुदाय है। मैतई समुदाय की आबादी लगभग 53% है। इस समाज के ज्यादातर लोग घाटी में रहते हैं। नागा और कुकी समुदाय आदिवासी हैं। ये दोनों समुदाय के लोग पहाड़ों पर रहते हैं। जिन विधायकों ने सीएम एन बीरेन सिंह पर आरोप लगाए हैं उनका कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री को ये कहते हुए सुना है कि हिंसा की घटनाओं में कुकी समुदाय के 300 लोग मारे गए। कुकी समुदाय के लोग मुझे गाली दे सकते हैं मगर मैतई समुदाय से जुड़े हुए लोग ऐसा नहीं करेंगे। ऐसे में बीजेपी के विधायकों ने खुलकर के मैदान में उतरने से सीएम एन बीरेन सिंह की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं।